नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के टायर मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। साथ ही में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कॉस्टिंग रहेगी, कौन कौन सी कंपनियां होंगी और क्या एवरेज किलोमीटर्स पर आपको टायर को चेक कराना चाहिए। अगर टायर चेंज कराने की आ गई है डेट तो आप करा भी सकते हैं, और क्या कॉस्टिंग रहती है और कितना आपके जेब पर भारी पड़ती है, पूरा बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा टियागो के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए, मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। और साथ में अगर आपको टाटा टियागो से रिलेटेड लोन का एस्टीमेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाटा टियागो के टायर मेंटेनेंस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें R13, R14, R15 के टायर लगते हैं। साथ ही में 115/80 साइज होती है R13 टायर की, 175/65 R14 टायर की साइज़ होती है, और 175/60 R15 टायर की साइज़ होती है। कंपनीज कौन कौन सी रहती है, तीन कंपनियां मेजरली टाटा के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले R13 टायर की मैं प्राइस आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो R13 के टायर की प्राइस रहती है वो रहती है 3,907 रुपये ब्रिजस्टोन के टायर अगर आप यूज़ करते हैं B290 मॉडल। साथ ही में 3,907 रुपये एक टायर की कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और 15,628 रुपये आपको इसके चारों टायरों की कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं मिशेलिन एनर्जी XM2 मॉडल, और ये आपको अगर देखने को मिलेगा इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी 3,764 रुपये। साथ ही में 15,056 रुपये, मतलब 15,056 रुपये की आपको इसकी कॉस्टिंग चारों टायरों की मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं C8 माइलेज के X3, ये टायर बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन देखने को मिल जाएगी आपको ब्रिजस्टोन की, और इसकी ज़्यादातर कई बार आपको टाटा टियागो में देखने को मिल जाएगी। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 2,839 रुपये रहती है R13 के टायर की कॉस्टिंग। साथ ही में 11,356 रुपये आपको इसकी चारों टायरों की कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगी। C8 के टायर आपको थोड़े से सस्ते क्वालिटी के मिलेंगे भी सही, और सस्ते टायर भी होंगे। अब बात कर लेते हैं R14 टायर साइज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, R14 के अंदर आपको तीन कंपनियां मिलती हैं, जो यही तीन कंपनियां हैं। ब्रिजस्टोन की अगर बात करें तो ब्रिजस्टोन आपको पड़ेगा 4,850 रुपये का, 19,400 रुपये तक की आपको कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगी इसकी, जो कि चारों टायरों की होती है। साथ ही में मिचेलिन एनर्जी आपको देखने को मिल जाएंगे, 19,728 रुपये इसकी कॉस्टिंग रहती है। और साथ में आपको इसके अंदर C8 माइलेज X3 के टायर देखने को मिलेंगे, जिसकी कॉस्टिंग मिनिमम रहती है 4,150 रुपये, और साथ ही में 16,600 रुपये चारों टायरों की कॉस्टिंग आपको मिल जाती है। तो ये कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। मिशेलिन एनर्जी का अगर आप एक टायर भी लेते हैं तो 4,932 रुपये का आपको कॉस्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं R15 टायर के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता देना चाहता हूँ कि R15 का अगर आप टायर इसके अंदर लगवाते हैं, मतलब आता है साइज़ में, तो उसकी कॉस्टिंग रहेगी 5,729 रुपये ब्रिजस्टोन की, और साथ ही में 22,900 रुपये समथिंग आपको इसकी कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉस्ट है ये मिनिमम नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट है कि आपको इतना खर्चा आएगा। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए, ज़्यादा नहीं तो 500,000 रुपये ज़्यादा भी देखने को मिल जाएँ और कम भी मिल जाएँ। R15 टायर साइज़ जो है टियागो के अंदर वो ब्रिजस्टोन की आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में अपोलो एलनेक भी लग सकता है। तो ये कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाती है, मिनिमम कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेगी तो 22,000 रुपये तक ज़्यादातर जाती है, 22 से 23,000 रुपये तक, उससे ज़्यादा आपको कॉस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। इन टायरों की सबसे एक खासियत ये होती है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का टायर लगाते हैं तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लॉन्ग किलोमीटर्स तक होएगा। मेरा जहाँ तक मानना है ब्रिजस्टोन के टायर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, छोटी गाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आप टायर चेंज कराना भी चाहते हैं तो 70-80 हज़ार किलोमीटर तो नॉर्मल सी बात है, 1 लाख किलोमीटर तक भी टायर चेंज नहीं होता है, तो ये आपको एक अच्छी क्वालिटी का टायर की देखने को मिल जाएगी कॉस्टिंग। और अगर आप 1 लाख किलोमीटर कार को चला चुके हैं, या तो आप उसको सेल कर देंगे
या फिर अगर आपको और लगता है कि भाई 1 लाख किलोमीटर चला लिया है तो आप टायर चेंज भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो वसूल हो गया इन टायरों का, तो आप उसके हिसाब से आप टायर भी चेंज करा सकते हैं और आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि कंपनीज जो होती हैं वो स्टॉक में पूरा पूरा खरीदती हैं टायर्स को और वो लगवाती हैं, तो कई बार सीएट का भी मिल जाएगा, कभी ब्रिजस्टोन का भी मिल जाएगा, एमआरएफ के भी मिल जाते हैं, कई सारी कंपनीज के मिल जाते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि जब आप चेंज करा रहे हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला उस टायर कंपनी से, या फिर आपको कौन सी कंपनी के अंदर अच्छा लगना है टायर को, मतलब अच्छी क्वालिटी का टायर चाहिए तो कौन सा टायर आप ले सकते हैं, तो आप ब्रिजस्टोन का टायर ले सकते हैं। टाटा टियागो में ब्रिजस्टोन के टायर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और बहुत अच्छे टायर भी होते हैं, साथ ही में गुडियर कंपनी का टायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, गुडियर कंपनी के भी टायर आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के टायर्स आपको अगर चाहिए तो, थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा है बट आपको अच्छे टायर देखने को मिल जाएंगे। तो भट्टस्कर फैमिली कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका प्यार मुझे दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।